हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स विद रवीश और मैं पहुंच गया हूं दोस्तों न्यूयॉर्क के नासो काउंटी क्रिकेट स्टेडियम में। और अमेरिका में तो यार ये बिल्कुल ही नई चीज़ है कि T20 विश्व कप का आयोजन यहां पे किया जा रहा है। ये ग्राउंड देख लो आप, ये ग्राउंड है पूरा, बहुत प्यारा ग्राउंड लग रहा है कसम से। सही आपको बताऊँ, जैसी ये मेरी टी शर्ट ग्रीन है ना, यही ऐसा इसका लश ग्रीन आउटफील्ड है। मुझे पूरा ये इंग्लैंड की याद दिला रहा है, आपको सही बताऊँ, इंग्लैंड के जैसे ग्राउंड है ना वैसी पूरी याद दिला रहा है ये पूरा स्टेडियम। और लग भी बहुत अच्छा रहा है ये। इधर देखो, इधर ब्लैक कॉम्बिनेशन दे रखा है, उधर जो जो कह सकते हैं कि VIP कॉरिडोर जो बनाया हुआ है, जहाँ पे कि यू नो रूफ दे रखी है यहाँ पे, वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। और ये बाकी का जो एरिया है जहाँ पे कि नॉर्मल फैंस जो है वो बैठेंगे, जो आम फैंस बैठेंगे, उसमें थोड़ा रूफ नहीं है, है ना, थोड़ा धूप से दो चार होना पड़ेगा उन्हें। लेकिन यार इसमें कोई टेंशन की बात नहीं, क्योंकि यहाँ इतनी गर्मी पड़ ही नहीं रही है, यहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम है, हवा भी जो है बड़ी ठंडी सी चल रही है, लू नहीं चल रही यहाँ पे। जैसे हम इंडिया में थे तो वहाँ पे लू चल रही थी, 45-47 डिग्री टेम्परेचर हो रखा था कुछ कुछ इलाकों में, 50, वैसा नहीं है, ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे, ठंडी हवा का झोंका चल रहा है यहाँ पे। बड़ा मज़ा आ रहा है देखो यार स्टेडियम। पहले मैंने जो तस्वीरें देखी थी इस ग्राउंड की, टू बी ऑनेस्ट मुझे लग रहा था कि इसकी जो बाउंड्री है ना वो 60 मीटर की होगी, लेकिन स्ट्रेट बाउंड्री जरूर 60 मीटर, क्योंकि स्क्वायर बाउंड्री जो है वो 70 मीटर की है दोस्तों, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, 70 मीटर की इसकी स्ट्रेट बाउंड्री है। स्टेडियम बड़ा प्यारा लग रहा है इनका, और इन्होंने एरिया को काफ़ी अच्छा डेवलप कर रखा है। अब सवाल है इसकी पिच को लेकर, क्योंकि पिच आई है, ये ड्रॉप इन विकेट है। अब ड्रॉप इन विकेट तो ज़रूर है, अब ड्रॉप इन विकेट को एडिलेड से क्योंकि मंगाया गया, लोग कह रहे हैं कि ड्रॉप इन विकेट आया, पता नहीं कैसा ये विकेट होगा। सवाल ये है कि एक्सपर्ट्स कुछ ऐसा कह रहे हैं कि इसमें शुरू में क्या होगा, स्पॉन्जी बाउंस होगा, उसके बाद जैसे जैसे गेम आगे बढ़ेगा उसके बाद विकेट जो है बैटिंग के लिए अच्छा हो जाएगा, और बाद में थोड़ा स्लोनेस भी होगी तो स्पिनर्स के लिए भी मदद करेगा। सेकंड हाफ में हो सकता है कि स्पिनर्स को यहाँ पे मदद मिल जाए। भारतीय टीम ने 4 स्पिनर्स को अपनी टीम में पिक कर रखा है, हो सकता है 3 स्पिनर्स तो इंडिया खिलाए अपनी किसी भी प्लेइंग 11 में, बट स्पिनर्स का रोल भी रहेगा इस विकेट में। अब ये देखिए यार, ये तो अनफोल्ड होना बाकी है कि क्या होगा। कुछ में तो हल्की हल्की ग्रास भी है अभी, वो ग्रास तो खैर हटा दी जाती है मैच से पहले, क्योंकि देखो T20 क्रिकेट का मतलब जनरली लोगों ने ये बना दिया कि इसमें छक्के चौके पड़ने चाहिए, और फैंस भी यही पसंद करते हैं। जल्दी कोई टीम आउट हो जाती है लोग कहते हैं विकेट खराब था, बट ऐसा होता नहीं है। क्रिकेट बैट और बॉल दोनों की कॉन्टेस्ट है यार, उसमें बॉलर को भी उतने चांस मिलना चाहिए जितना बैटर को। हर विकेट फ्लैट ट्रैक नहीं होना चाहिए, कोई संघर्ष दिखाई देना चाहिए कि बॉलर भी जो है वो भी जो उसके पास हथियार है ना उनका वो प्रयोग कर सके। खैर ये स्टेडियम है, मेरे को तो बहुत प्यारा स्टेडियम लग रहा है न्यूयॉर्क में आके, ये बड़ी अच्छी जगह लग रही है और फील दे रहा है, जैसे मैंने कहा कि इंग्लैंड का फील दे रहा है ये पूरा स्टेडियम, आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहला जो इंडिया का मैच है आयरलैंड के खिलाफ है, आयरलैंड के खिलाफ मैच से इंडिया अपने अभियान की शुरुआत करने वाला है, और होपफुली फिर उसके बाद इंडिया पाकिस्तान का मैच भी है, सेम इसी वेन्यू पर खेला जाएगा इंडिया का। उसके बाद 3 मैच खेलने के बाद इंडिया फिर फ्लोरिडा जाएगी। बट अच्छा ग्राउंड है, अच्छी यहाँ पे क्राउड की अगर मैं बात करूँ तो अमेरिका में तो ज़्यादा लोगों को पता नहीं है इस T20 वर्ल्ड कप के बारे में, बट अगर हाँ मैं बात करूँ जो इंडियंस हैं यहाँ पे, उन वो सारे एक्साइटेड हैं बहुत। जब मैं फ्लाइट में भी आ रहा था तो बहुत सारे लोग थे जो मैच देखने आ रहे थे, बड़े महंगे महंगे, यानी कि $3,000 में उन्होंने यार टिकट लिया हुआ है इंडिया पाकिस्तान मैच का। तो क्रेजीनेस बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर है, वो हमने देखी है, तो बहुत लोग आ रहे हैं। नया वेन्यू है और आपको पता है यार अमेरिका में तो इतने NRIs रहते हैं, ये 34,000 की इसकी कैपेसिटी है, फुल रहेगा ये। तो ये मैंने आपको स्टेडियम का नज़ारा दिखाया, अच्छा लग रहा है, आप कमेंट सेक्शन में बताना आपको कैसा लग रहा है।